पीके न्यूज एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। फिल्म नायक तो आपको याद ही होगा, उसमें एक्टर अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बने थे। अब इसी तर्ज पर एमपी में एक छात्र कलेक्टर बनेगा। एक दिन के लिए ही सही, उसका सपना पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, मामला मध्य प्रदेश के डिंडोरी का है, जहाँ 9वीं के एक छात्र ने कलेक्टर विकास मिश्रा से उनकी तरह कलेक्टर बनने की इच्छा जताई। इतना सुनते ही कलेक्टर ने छात्र को कलेक्ट्रेट बुला लिया। अब सोमवार को बच्चे का सपना पूरा होने जा रहा है। वह एक दिन के लिए ही सही, बट कलेक्टर की कुर्सी पर बैठेगा। दरअसल हुआ यूं कि शनिवार की सुबह मॉडल स्कूल धुनवा सागर के आकस्मिक निरीक्षण पर कलेक्टर विकास मिश्रा पहुंचे थे। उन्होंने यहां छात्रों से चर्चा की, साथ ही चर्चा के दौरान उनकी इच्छा भी जानी। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र रुद्र प्रताप छारिया ने कलेक्टर बनने की इच्छा जताई। इस पर कलेक्टर ने भी छात्र की इच्छा पूरी करते हुए रुद्र प्रताप ने कहा कि मेरा सपना कलेक्टर से मिलने का था, जो आज पूरा हो गया। मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं कलेक्टर बनूं। हमारे समाज में पिछड़ापन है, लोग मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। मुझे अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि छात्र कितना खुश है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू भी निकल रहे हैं। बता दें कि सोमवार को छात्र को कलेक्ट्रेट आने का आमंत्रण भी दिया गया है। वहीं कलेक्टर विकास मिश्रा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छात्रों में अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने की ललक पैदा करना होगा। इसके लिए छात्रों को और शिक्षकों के बीच संवाद स्थापित करना बहुत जरूरी है, जिससे छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सुनिए क्या कुछ कहा है कलेक्टर विकास मिश्रा ने। देखिए, मेरा बस एक साफ कहना है कि बड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत जल्दी तैयारी करनी पड़ती है। आज संविधान दिवस है बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में, और जो हमारे बड़ों ने जिस प्रकार देखा था संविधान दिवस की सही मतलब जो भावना ये है कि समानता हो, सबको हक मिले, तो आज मैं उसी लिए आया था। और ये बच्चे लोग यहाँ, आप सोचिए 10:30 बजे से क्लास है और बच्चे एक घंटे पहले पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। वो कलेक्टर बनना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसको कलेक्टर बुला के दिखाना चाहिए सिस्टम कैसे काम करता है, ताकि और प्रेरित हो। हम लोग कुछ और योजनाएं भी ला रहे हैं। यहाँ किसानों ने समस्या बताई है पानी की, अभी क्योंकि डिंडोरी की अगर इकोनॉमी सुधारनी है तो हमको पहले सिंचाई क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोग इस तरह डैम वाइज काम करते चल रहे हैं। यहाँ सीएम राइज स्कूल भी हम लोग साथ में इसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं, उसके लिए कुछ भूमि का विवाद था वो निपट गया है, तो उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि शासन की जितनी भी योजनाएँ जैसे जैसे उतरती जाएंगी, तो जो हमारे बड़ों का सपना था जो एक सर्वांगीण विकास का, वो तभी पूरा होगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज एमपी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।